कई तरीकों से सीटें खाली हैं। एक तो हमने ये भी बात कही थी कि जो नियोजित शिक्षक इस पे क्वालिफाई फाइनल में पास हुए हैं उनको आप पुराने शिक्षक पुराने सीट पर ही उनको समायोजन कर दीजिए और नए सीटों पे सिर्फ नए बच्चों को लिया जाए। ये हमने मांग रखी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना स्वीकार ज़रूर किया है कि जो सीटें वैकेंट रह गई हैं या जिस पे अभ्यर्थी जो है उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाँच में आ रहा है कि गलत है तो उन सीटों पर वो दोबारा से सेकेंड लिस्ट लाएंगे, इसकी तैयारी कर ली गई। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर संदीप सर का इंटरव्यू आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर मांग रखी थी कि जो भी नियोजित शिक्षक थे उनको अपने सीटों पर रख कर फ्रेश कैंडिडेट जो बीपीएससी के एग्ज़ाम द्वारा क्वालिफाइड किए हैं उनको मौका दिया जाए, लेकिन उसको इनकार कर दिया गया। अब जो है यहाँ पर जो भी सीटें वैकेंट रह जाती है काउंसलिंग के दौरान या बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है उसके दौरान जो भी सीटें वैकेंट रहेगी उस पर जो है सेकेंड लिस्ट की मांग की गई है और सरकार ने स्वीकार कर चुके हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट हम देंगे और बहुत ही जल्द आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और बीपीएससी अतुल प्रसाद चेयरमैन जो है वहाँ पर आप उनका इंटरव्यू भी सुनेंगे कि इस मंथ जो है आपका रिजल्ट घोषित कर। क्या कुछ मामला है मैं आपको इस वीडियो में पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आप सुनिए ध्यान से। उससे पहले चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए सुनिए इस वीडियो में क्या कहा गया कि शिक्षकों का, चूँकि शिक्षा विभाग का जिस दिन अनुपूरक बजट आया उस दिन शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा होनी थी और हमारी पार्टी से मुझे ही बोलना था, तो शिक्षकों के मुद्दे हैं, नियोजित शिक्षक का जो राज्यकर्मी का मसला जहाँ पे रुका हुआ है, बिहार में स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है या विश्वविद्यालयों के अंदर जो संकट हम लोग देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात होनी थी। पूरक बजट आ गया था लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल भाजपा के लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी मांगने के बाद अपनी बात वापस लेने के बावजूद वो शुरू से आखिर तक सदन के अंदर हंगामा करते रहे, कुर्सियाँ तोड़ते रहें, एकदम माहौल ख़राब कर दिया। इसके चलते सदन स्थगित हुआ, दो बार स्थगित हुआ और अंत में सदन समाप्त हो गया। तो देश मैंने बिहार भर के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहाँ पे एकदम विचार मंथन होना था, कुछ प्रस्ताव आने थे, उसको लेकर के भाजपा ने तनिक भी गंभीरता नहीं दिखाई और ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर के इन लोगों का क्या नज़रिया है। राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के क्या कुछ? देखिए राज्यकर्मी को लेकर के तो पहले ही बात हुई है, सरकार ने भी एक नियमावली लाई है, उस नियमावली में संशोधन करने का वक्त दिया गया था, हम लोगों ने उसी बीच में लिख करके दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और वो हमारा जो सुझाव था उसमें हमने कहा था कि देखिए पहले से एक विशेष शिक्षक आपने रखा हुआ है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ये विशिष्ट शिक्षक लेकर के आ जा रहे हैं तो कन्फ्यूज़न है और तरह तरह की श्रेणियाँ क्यों बना रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो उसको हटाइए, ये हमने मांग रखी थी और वो यही प्रपोजल माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक गया हुआ है, वहाँ से फाइनल होकर के जो आएगा वो हो जाएगा। आप लोग सदन में इस बात को उठाए थे शिक्षा राज्यकर्मी के दर्जा को? सदन में तो उठाया ही गया था ना, सदन में उठाया गया था, उसके बाद बैठक हुई थी महागठबंधन की, सरकार ने घोषणा कर दिया, उसके बाद नियमावली आ गई तो हो ही रहा था, तो राज्यकर्मी तो तय हो चुका है ना, वो तो सरकार की नियमावली आ चुकी है उस पर, अब उसमें कुछ संशोधन है, विशिष्ट शिक्षक इनको न कहा जाए, सबको एक साथ विद्यालय अध्यापक कहा जाए, यही मांग हम लोग की। बिहार के शिक्षकों की बात कर ले, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए, उसके लिए आप एक मसीहा के तौर पर आ रहे क्योंकि आपकी बातों को बहुत गंभीरता से वो लोग लेते हैं, इसलिए खासा उम्मीद आपसे लगाई जा रही है। और शीतकालीन के सत्र में क्या हुआ क्योंकि आगे फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सब लोग यही जान ले कि शीतकालीन सत्र में एक पूरा दिन था शिक्षा के ऊपर, मात्र 4-5 दिन का सत्र होता है और उसमें एक दिन शिक्षा के ऊपर था, लेकिन भाजपा के लोगों ने जानबूझ करके, उनको पता था कि शिक्षा को लेकर के बातें रखी जाएंगी, उनको पहले से ही वो उनको दुख है कि सत्ता पक्ष में होते हुए भाकपा माले के लोग शिक्षा को लेकर के, शिक्षक के सवाल को लेकर क्यों इतना आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सदन चलने ही नहीं दिया। कल मेरा आखिरी सवाल है ये कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 2 आ रहा है 2.0, लेकिन 1 क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थी खासा नाराज है, उसके लिए क्या कहें? 1 के लिए हमने देखिए मांग रखा था एक तारांकित सवाल के माध्यम से, हमने कहा था कि कई तरीकों से सीटें खाली हैं, एक तो हमने ये भी बात कही थी कि जो नियोजित शिक्षक इस पे क्वालिफाई फाइनल में पास हुए हैं उनको आप पुराने शिक्षक पुराने सीट पर ही उनको समायोजन कर दीजिए और नए सीटों पर सिर्फ नए बच्चों को लिया जाए, ये हमने मांग रखी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना स्वीकार ज़रूर किया है कि जो सीटें वैकेंट रह गई हैं या जिस पे अभ्यर्थी जो है उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जांच में आ रहा है कि गलत है तो उन सीटों पर वो दोबारा से सेकेंड लिस्ट लाएंगे, इसकी तैयारी कर